चक्रवाती तूफान दाना की वजह से अब तक आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल सहित 6 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में भी इस तूफान का असर महसूस किया जाएगा। दाना की वजह से यूपी के मौसम में जरूरी बदलाव आने की संभावना है। इन बड़े बदलावों की वजह से कई जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 24 घंटों के भीतर उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी जिलों में हल्की बारिश की आशंका जताई है। आईएमडी के अनुसार 25 अक्टूबर को यूपी के दक्षिण पूर्वी हिस्से के जिलों में बारिश की बूंदें गिरने की संभावना है। इसके बाद 26 और 27 अक्टूबर को मौसम सामान्य रहने का अनुमान जारी किया गया है। हालांकि 28 अक्टूबर से फिर से यूपी के कुछ जिलों में हल्की बारिश देखी जा सकती है और ऐसा दिवाली तक जारी रह सकता है। मौसम विभाग ने साफ किया है कि इस बदलाव से किसी भी जिले में भारी बारिश की संभावना नहीं है। चक्रवाती तूफान दाना की वजह से मौसम विभाग के लखनऊ केंद्र ने कुछ जिलों में हल्की बारिश के आसार जताए हैं। ये जिले हैं कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, बलिया, आजमगढ़, गाजीपुर, वाराणसी, जौनपुर, चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही और प्रयागराज। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि चक्रवाती तूफान दाना की वजह से यूपी के पूर्वी हिस्से में नमी वाली हवाएं चल सकती है। इससे तापमान में थोड़ी गिरावट आने की उम्मीद है। अनुमान है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की कमी आ सकती है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार गुरुवार यानी 24 अक्टूबर को यूपी के नजीबाबाद और बुलंदशहर में सबसे कम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं बहराइच, प्रयागराज और फतेहपुर में अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस रहा। चक्रवाती तूफान दाना का असर उत्तर प्रदेश में मौसम के उतार चढ़ाव के लिए संकेत दे रहा है। हल्की बारिश और तापमान में गिरावट की वजह से राज्य के निवासियों को तैयार रहना होगा। लोगों को मौसम की स्थिति पर नजर रखने की सलाह दी गई है। खासकर दिवाली जैसे जरूरी त्योहार के समय आप सभी को सतर्क रहना जरूरी है। आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें लोकलिटी।